આપણા ગુજરાતી કોઈ કઈ નો જવા દે. હા રાખે. फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग. मस्त सुबह हो चुकी है और यहाँ पे चकलिया मस्त झूलने झूलने लगी है. मजा आ रहा है आरोही को रूही को दोनों को हैं चकली. और यहाँ पे बड़ी चक्की गुड मॉर्निंग किंजल. क्या है आज के दिन? बस अभी सब काम निकला है बहुत सारा. बहुत सारा कैसा निकला है बताओ? तो सब निकाल दिया है. वीराली बोले सब निकाल दो, मैं हूँ ना तो सब हो जाएगा. अच्छा, इसीलिए बहन को काम करने के लिए बुलाया है? बुलाया नहीं है, काम करने के लिए. वो ये बोलती है, मैं तो नहीं बोलती. अरे बाप रे, यहाँ पर निकाला है ये गादी वगैरह. अरे वाह, तो ये सब साल में एक बार तो सुखाना ही पड़ता है. अच्छा, ये तुम्हारा करियावर है? मेरा करियावर. अच्छा, लेके आई थी किंजल है ना? ये देखो, ओशिका बोशिका सब मेरा ही है. और ये बेड तो मेरे ससुर जी ने थोड़ा अच्छा बनाया, लंबा वाला. थोड़ा क्या लंबा है ना, जो मैं थोड़ा हाइट में बोले इसीलिए. अच्छा, मेरा इतना मान पाने की क्या पूछो बात पे. प्रेम है आपके लिए. ऐसा है सही में. चलो फिर धूप में सुखा देते हैं. हाँ, ताकि थोड़ा भेज निकल जाए. तो चलिए यहाँ पे चलते हैं. तो यहाँ पे वाह, बहुत ही बढ़िया अलग अलग साड़ी बाड़ी है. क्या है ये सब? ये निकाला है अभी कुछ वेस्ट में से बेस्ट बनाना है तो ये सब निकाला है. ये देखो, मैंने मैरिज में साड़ी ली थी, चौड़िया है. अच्छा, ये चौड़िया है, बहुत बढ़िया है. साड़ी है, ब्लाउज दिखाई ना. अच्छा, ये साड़ी है. ये बूटा यहाँ पे आएगा. तो ये पहनती तो हो नहीं अभी मैरिज है ना, दिवाली के बाद. अच्छा, दिवाली के बाद मैरिज है तब पहनोगी. तो बहुत शाइनिंग बाइनिंग गुलाब गुलाब का फैशन नहीं गई है. इतनी अच्छी साड़ी ली है. चलो फिर शादी में देखेंगे. नहीं लेना है? कैसा लग रही है? लेके दो मुझे साड़ी इन चार. तो ये पहनो पहले, उसके बाद लेना. कितनी सारी है देखो. कितनी है विराली? बहुत ज्यादा है. आपको बहुत अच्छी लगेगी. देखो, मैं जब आई थी ना जल देने के लिए. अच्छा, तो मैंने पहनी थी पता है. किंजल जल देने आई थी तब ये साड़ी पहनी थी. और इसका प्रूफ आपको अगर चाहिए तो फोटो दिखाएंगे. तो ये रहा फोटो. नहीं ये इसमें नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें बांधनी. देखो यहाँ, ये रहा. ये कौन सा है किंजल? ये बांधनी है. ये बांधनी है. अच्छा, किंजल के टाइम की ये सारी बांधनी ये सब पहन के देखने आई थी. और मैंने देख के आप बैठे हैं. अच्छा, ये अरे वाह, मोरला वाली डिजाइन है. ये बांधनी पहन के आई थी तो किंजल के पास बहुत ज्यादा है लेकिन पहनती कम है. देखो कितनी मस्त है बांधनी. वाह, बहुत ही बढ़िया बांधनी है तुम्हारे पास किंजल. ब्लू एकदम, पिंक और ब्लू. हाँ, मोर की डोक कैसी होती है एकदम. लेस मैंने लगाई है, मैंने यहाँ अलग से लगवाई. अलग से मैचिंग हो गई. मोर बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखो. वाह वेरी गुड. और क्या क्या है किंजल? बस इतना ही अभी तो. इतना ही है? इतना ही है. हाँ इतना ही है. सही है. चलो फिर बहुत बढ़िया है फिर तुम्हारा खजाना. किंजल की ओल्ड साड़ी है लेकिन न्यू डिजाइन लग रही है. हाँ, तो बहुत ही मस्त लग रही है किंजल. दोनों चकलिया परेशान करती रहती है. तो चलिए चलते किचन में किंजल. और वाह भाई वाह, विराली की रोटियां देखो मस्त फूल रही है. गैस के ऊपर नहीं रखना है, ऐसे सब बोल रहे हैं. डायरेक्ट गैस पे नहीं रखते, पहले तो रोटी सेकते हैं और बाद में गैस पे रखते हैं. अच्छा, तो गैस पे रखना ही नहीं है. ठीक है, कैंसिल कर. रोटी में करेंगे ना तो अच्छी नहीं बनती, कड़क बनती. ऐसा प्रॉब्लम आता है? मतलब पहले से ही ये सब करते रहते हैं, कभी कुछ हुआ ही नहीं है ना. अच्छा, लेकिन होता है फिर क्या करेंगे? होता है लेकिन अभी इतना नहीं सेकेंगे. हाँ, थोड़ा कच्चा सेकना है ताकि पेट में अच्छे से दुखे. हाँ, अच्छे से दुखे. क्या है आज? आज बहुत बढ़िया है किंजल. मैंगो निकालो. मैंगो, मैंगो का रस बनाया आज मस्त है. क्या बात है, वाह भाई. मर्चा बनाया विराली ने, फ्राई करके मस्त मर्चा बना दिया है. आलू की सब्जी मजा आ जाएगा. दोनों देखो बहुत झगड़ रही है यहाँ पे. झगड़म झगड़ी हो रही है दोनों की, पूरे दिन झगड़ा मस्ती चलती है. दोपहर के 4:15 बजने को आए और वहाँ पे आप देख सकते हो गोठली का काम चल रहा है और दोनों बेटियाँ लगी पड़ी है और मजा आ रहा है दोनों को. फिराली गोठलियाँ निकाल के रेडी कर रही है. अभी मुखवास बनेगा जोरदार. तड़का ना पापा क्या गया था? गधकड़ा. गधकड़ा मासी ने घिरे. मेरे पापा उनके मासी के घर हनुमान दादा लौट तो हनुमान दादा का लोड था इसलिए मेरे पापा गए थे वहाँ पे.
और धूप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है अभी। तो आइए गोठली का काम शुरू करते हैं दोनों बेटियों के साथ। किंजल किधर गए? अच्छा किंजल लोड डलाए में अंदर है देखो। तो चलिए चलते हैं। तो किंजल ने लोड यहाँ पे मस्त डाल के रेडी कर दिया है और यहाँ गाँव डाल रही है हमारा ऑर्गेनिक और घर की घंटी है इसलिए घंटी है ना तो कभी भी हम डल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड बहुत ही बढ़िया है। 3 बजे भी डल सकते हैं। ये तो बाहर नहीं जा सकते। तो किंजल क्या क्या गोटली का? गोटली की पूरी प्रोसेस बताएंगे सबको। ओके। कैसे मुखौस बनाते हैं ओके बताएंगे। सब बताएंगे है ना रेडी करके। कैसे कुक करते हैं उसके बाद सुखाना है उसके बाद घी में फ्राई करना है वो सब दिखाएंगे। ओके आम की गोटली का मुखौस पूरा पूरी रेसिपी दिखाएंगे। ओके तो चलिए गोटला एक काम पे लगेंगे। बीटवेल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा बीटवेल अच्छी मात्रा में होता है तो वो गोटली का मुखवास खाना चाहिए। सेवन करो। हाँ तो भाई गोटली आम खा के गोटली फेंको मत और इसको उस तरह फोड़ फोड़ के इसके अंदर से वाह विराली कब से फोली जा रही और ये निकले अंदर से गोटली इसमें ताकत होती है ना वो ही कर सकता है। उसके ऊपर से ये भी निकाल दो और ये निकली आम की गोटली। अभी इसको बाफेंगे अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस करेंगे उसके बाद बॉइल करेंगे। ओके तो चलिए हम बाबू के पास भी चलते हैं। मतलब हमारे घर पे आज पूरा माहौल गोटली का है तो गोटली बन रही है इधर भी और इधर भी। तो आम खा के गोटली हमारे गुजराती लोग फेंकते नहीं है उसका भी मुखवास बना के खाते हैं और यहाँ पर बाबू भी मस्त मुखवास। हो बाबू अपना गोटली मुखवास बनाना छे ने। वाह भाई वाह सरस सरस। तो बाबू ने भी इसके अंदर कई जावा नहीं दे नहीं अपना गुजराती कोई कई नो जावा दे। आधे राखे तो भाई मस्त गुटली निकाल रहे बाबू गोटला में से और मुखवास बनेगा बहुत ही बढ़िया भाई। मुखवास बहुत मस्त था बाबू नहीं खरेखर खा मजा आवे मेहनत नो एटले बहु भावे बहु फ्री में आवे तो नो भावे एवं छे भाई। भाई हमारे गुजराती का ये भाई है आइडिया बहुत बढ़िया। तो मुखवास बनाने की प्रक्रिया इधर भी चालू है उधर भी चालू है दोनों जगह पे चालू है। गुजराती लोग है ना वो अपना आम की गुटली जाने नहीं देते घर पे मेहनत करके उनका भी मुखवास बनाते बहुत बढ़िया है। किंजल ने थोड़ा सर्च किया होगा इसमें से भी विटामिन मतलब बी12 मिलता है। खाने की चीज कुछ भी नहीं छोड़ते गुजराती लोग। हाँ किसी भी तरह फायदा लेते हाँ तो भाई ऐसा है। आप भी थोड़ा हाथ बढ़ाओ थोड़ा चलो 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 आता हूँ। गोटली तो बहुत अच्छी लगती है ना आपको। हाँ आता हूँ आता हूँ। चलिए होता है प्रोसेस वो भी आपको पता चल जाएगा। हाँ तो यहाँ पर भी हमारे जय हो विलेज का आप पॉट्स देख सकते हो। अभी और भी बर्ड्स है जिनके लिए हमने ये पॉट्स लिए है जय हो विलेज के और यहाँ पर जो है उनके माड़ा बहुत ज्यादा प्रमाण में हम लाए हैं। इस माड़ा को भी हम अलग अलग जगह पे ला रहे हैं। ठीक है आओ करो पापा बे ने नाई से बे यहाँ पे चक्की देखो नाई नहीं कर रही है तो उसको मजा आ रहा है। तो छोकरी को मस्त नहाने का बहुत मजा आता है। हरे को हाथ पे लग गया देखो कल गिर गई ना इसलिए लेकिन अब अच्छा है ये देखो पॉट से तो कितनी चकलियां मस्त आती रहती है पानी पीती रहती है मजा आता है चकलियों को कितनी मस्त चपचप करती पीती है। तो इस तरह आप भी पॉट्स लगाए और चकलियों के लिए जितना हो सकता है कुछ कीजिए। तो उधर मेरे पापा राजू भाई ने मस्त कुंडे को हैंगिंग करना कर दिया शुरू और इधर गोटली का काम चालू है और बच्चा पार्टी मस्त गार्डन में खेली जा रही है मजा आ रहा है छोटा छोटा चकली का पॉट्स लेकर। चले चलते किंजल के पास। अरे वाह तो यहाँ पे किंजल वाह किंजल नया घर हो गया नया पर्दा हो गया अरे हो गया। हाँ अरे वाह घर में सब नई नई चीज आएगी ना तो लगेगा कभी कोई बंगला बनाने की जरूरत ही नहीं। कितना मस्त लग रहा है बंगला है ना तो भाई बढ़िया बहुत ही मस्त लग रहा है पर्दा नया पर्दा नया सिलाई किया है इसकी डिजाइन बहुत बढ़िया है देखो साड़ी थी ना साड़ी में किया है। अच्छा साड़ी में से पर्दा बना है वाह जुगाड़ू गुजराती वेरी गुड। यहाँ पे इतनी गोटली मस्त आई है अभी चलिए इसको बॉईल कर देते हैं।
और उसके बाद नमक चढ़ा के सुखो के फिर जो खाने का और अधिक आनंद आता है। दर्शक हाँ पच्ची थोड़ा बधी मेहनत छे ओछी कहेवाय जे खावानी मेहनत छे ने आइए गोटली को शुरू करते हैं थोड़ी भिगोने की और उसको थोड़ा मस्त सफाई कर देते हैं, एक बार वॉश कर देते हैं अच्छी तरह से। तो पूरी गोटली जो है वो मस्त उसके अंदर से थोड़ा बहुत जो भी कचरा है धूल मिट्टी है वो निकल जाएगा। उसके बाद अभी हम उसको बॉईल करना शुरू कर देते हैं। चलिए कुकर भर गया है ना, 2 साल तक चलेगी इतनी। 2 साल मुझे नहीं तुमने देखा ये कुकर कितना, देखो तो कितना फिर भी मैं मुझे नहीं देखा तुमने खाने के बारे में। हाँ तो 2 साल टिकेगा, 2 महीना टिकेगा वरना तो फिर तो इसके ऊपर सिंदूर नमक डाल देते हैं। इसके बाद इसका टेस्ट और नमकीन लगेगा। चलिए इसको बॉईल कर देते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। तो यहाँ पे मस्त गोटली बाप के रेडी हो गई है बॉईल करके गर्मा गर्म, और मेरी बेटी परोठे वाल के बैठ गई है। गोटली बहुत अच्छी लगती मीठा वाली है ना, बहुत मस्त लगेगी। बिराली एक नंबर गोटली, वाह भाई वाह, तो मजा आ जाएगा भाई गोटली खाने का। देखो ये खाने का भी इसमें भी विटामिन है, देखो बहुत सारे से रोही आने जाओ। फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग मंडा पड़े हैं अभी, और सब लोग मंडा पड़ेंगे तभी ये खत्म होगा वरना खत्म नहीं होगा। किंजल ने मशीन लिया है, मैंने और वीराली ने चप्पू लिया है, तो बाप दिया है बाप, बॉइल कर दिया है इसलिए अभी कोई टेंशन नहीं है। और इस तरह इसको कटिंग करते रहना, देखो इस तरह इसको कटिंग करेंगे और इसकी चिप्स कर देंगे, चिप्स उसको सुखाने रखेंगे और उसके बाद नमकीन कर देंगे और मुखवास के साथ ऐड करके खाएंगे। खाने के बाद ये खाओ, B12 का है और नमकीन वाला तुरंत मिल जाता है, B12 तुरंत मिल जाए इसी मिनट मिल जाता है इसलिए खाया करो। कल कमेंट आई थी कि किंजल को आपने मारा तो किंजल अब कुछ बोलती नहीं, इसीलिए किंजल के मुंह पे गुस्सा आता है लेकिन किंजल कुछ बोलती नहीं। मैंने हाथी मारी तो आरोही बहुत ही बढ़िया मस्त, अरे वाह टिट कर रही है, नई गाड़ी पे मस्त बैठी है। अभी मेरे पापा ने कवर बोर डाल के मस्त कर दिया गाड़ी। तो यहाँ पे देखो आरोही मस्त बैठे साइकिल पे और मस्त खेल रही है साइकिल के साथ रोही और आरोही। तो अभी किचन में जाके देखते हैं विराल क्या क्या कर रही है, क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है अभी भिंडी की। तो भिंडी की सब्जी है और भाकरी है और रोटी भी है, तो सबको लगता होगा कि रोज भिंडी की सब्जी लेकिन सबको बहुत अच्छी लगती है। तो अभी भिंडी आती है बगीचे में तो हम रोज खाते है। अभी मस्त मस्त भिंडी की सब्जी बना रही है यहाँ पे, और वहाँ पे भाकरी हमारी मस्त, और यहाँ पे देखो मस्त मक्खन भी है साथ में, तो भाकरी बहुत मस्त बन गई है देखो यहाँ पे। हेलो वीरू बोलिए क्या है आज? बस कुछ नहीं, गोटली मस्त अभी बनाई और मस्त सुखाई है अभी तो। हाँ तो फ्रेंड्स अभी गोटली का छोटा छोटा पीसेस किया है, अभी फैन के नीचे सुखाई है, कल 1-2 दिन में तो सूख जाएगी। और उसके बाद घी में या तेल में फ्राई कर सकते हैं, और उसमें डालना है सनचौड़। सनचौड़ डालने के बाद इतनी मस्त टेस्ट में लगती है ना, बहुत मस्त लगती है। वो भी दिखाएंगे, और यहाँ पे देखो रूही भी मस्त खेल रही है, दर्शक उसके काम में बिजी है, तो भी खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो वीराली आती है ना तो बहुत मजा आता है, कोई भी आते हैं घर पे तो अच्छा लगता है। और देख सकते हो यहाँ पे गोटली मैंने अभी फैन के नीचे सुखाई, धूप में नहीं सुखाना है, फैन के नीचे ही सुखाना है, और उसके बाद सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। फ्रेंड्स खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना दे धमाल, भिंडी की सब्जी बन गई है और यहाँ पे बच्चा पार्टी देखो मोबाइल लेके लकड़ी की लाठी लेके बैठ गए है। आइए अभी खाना पीना हो रहा है, अभी मस्त बच्चा पार्टी बैठ गए है, मेरे पापा भी और किंजल भी, अच्छा नया नया अचार बना है तो मजा आ जाएगा। अच्छा विराली कल का कुछ नया प्लानिंग अच्छा कुछ है? नहीं, कल बताएंगे, कल बताएंगे कुछ नई आइटम, तेरी फेमस आइटम जो तू बनाती हो, तो कल भाई विराली की फेमस ही है। हाँ विराली के कुछ नई आइटम देखने को मिल जाएगी है ना वीरा? यस।
ओके और बच्चा पार्टी को खाना पीना हो रहा है। बड़े बच्चे का खाना हो चुका है, बड़े बच्चे का भी शुरू होने वाला है। ओके तो चलिए किंजल अभी लोगों को बाय बाय करते हैं, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय 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 बाय। रुको रुको जरा रुको, जिस किसी को भाई मैंगो का ऑर्डर देना है डिस्क्रिप्शन में नंबर है और ताज़ा ताज़ा मैंगो मस्त लहराती हुई आप सबके घर पहुंच रही है। अमरेली में था और यहां पे बुकिंग चल रहा था और काका वो सब बाड़ी में से अभी मैंगो निकाल कर सबको भेज रहे, मतलब ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, जाने का वक्त नहीं मिलता वहाँ पर, लेकिन काम चालू है धीरे धीरे। आप सबकी बदौलत जितना जितना ट्राई कर रहे हैं, आप सबके घर अच्छी अच्छी मैंगो पहुंचाने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसी की एक दो आम बिगड़ी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, दिल से सॉरी। लेकिन जो जो भी मैंगो खाए उनको बहुत बड़ा मज़ा आया। तो चलिए बुकिंग कीजिए जिसको भी चाहिए। अब मिलते कल कुछ नए अंदाज के साथ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।